बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच। आज एक बहुत डिफरेंट सा पैगाम मैं दे रहा हूँ और शायद किसी की टीपीओ ने भी पहले इस तरह का पैगाम ना दिया हो। मेरी गुजारिश है, फास्ट फूड के जितने भी ओनर्स हैं, आपको पता है आजकल ज़िंदगी भी बहुत फास्ट है, सब हर एक की दौड़े लगी हुई हैं, भाग रहे हैं, और जिस तरह सोशल मीडिया और जिस तरह वाइब्रेंट सोसाइटी और जिस तरह एक हाइब्रिड कल्चर आ गया है, हर चीज़ में ही तेज़ी है। जो स्लो हो गया वो पीछे रह गया। फास्ट फूड जिस तरह इसका नाम है, तो इसी तरह ये वो जो मैं पिज़्ज़ा बॉय को कभी देखता हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग आज मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्पेशली फॉर फास्ट फूड ओनर, कि वो जो पिज़्ज़ा बॉय होता है बेचारा, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। उसके पिज़्ज़ा बक्स को आप इतना भर देते हो, उसमें सारे बर्गर और पिज़्ज़े और वो डाल के उसको आप भर देते हो, और उसको आप कहते हो एक इतनी बड़ी लंबी उसको लिस्ट दे देते हो कि भाई ये आपकी लिस्ट है और तेज़ तेज़ पहुँचाओ। और हर किसी को बर्गर भी गर्म चाहिए होता है, उसको चिकन भी गर्म चाहिए, मौसम भी ठंडा है, साथ में ठंड भी बहुत है, तो वो बेचारा जिस तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाता है, आल्दो कि उसने हेलमेट पहनी होती है, वो वायलेशन नहीं करता, वो अपनी ड्यूटी करता है, लेकिन इतनी तेज़ी से वो जाता है कि कल मुझे एक रिपोर्ट हुई जिसकी वजह से मुझे सोसाइटी से, मैं कम्युनिटी पुलिसिंग में बिलीव करता हूँ, इसलिए ये डिफरेंट मैसेज दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे सोसाइटी से किसी ने वॉइस की कि इस तरह वो पिज़्ज़ा बॉय आया और बेचारा कॉलेज में वो गिरा और उसकी टांग टूट गई। तो अब आप मुझे बताएं, अगर आपका इतना कारोबार है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़कात निकालें, आप एक की जगह 5 पिज़्ज़ा बॉय रख लें, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो एक की जगह 3 मोटरसाइकिलें ले लें, उसको 3 पे तकसीम कर दें। अल्लाह ने आपको कारोबार दिया और कोई टेस्टी पिज़्ज़ा बना रहे हो, टेस्टी फास्ट फूड आप बेच रहे हो, आपके बर्गर जो है वो भी अगर टॉप क्वालिटी के हैं, तो इसी तरह आप उसको एक्सपेंड करो। 3 बंदों को इंसेंटिव मिलेगा, 3 बंदों को तनख्वाह मिलेगी, 3 बंदे मोटरसाइकिल पे जाएंगे तो उनकी वो जो लिस्ट होगी वो कम पड़ जाएगी, और उसमें उनके एक्सीडेंट का और वायलेशन का और नुकसान का खदशा कम होगा, उनकी ज़िंदगी भी बचेगी, अल्लाह ताला आपको आपके कारोबार में भी बरकत देगा। तो इसको बढ़ा दें, इसको एक्सपेंड करें। अगर हमने किसी की इतनी बड़ी लंबी लिस्ट देखी और वो बेचारा दौड़ रहा हो, और अगर वही पिज़्ज़ा बॉय गिर गया और उसका नुकसान हुआ, और वो एज ए कंप्लेनेंट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शफीउल्लाह गंडापुर के पास आ गया, उसने कंप्लेंट कर दी, तो वो पिज़्ज़ा ओनर जो है और वो फास्ट फूड का जो ओनर है वो रिस्पांसिबल होगा, वो जवाब देगा कि अब आप बताओ 15 मिनट के अंदर ये पिज़्ज़ा बॉय कहाँ कहाँ ये 20 डिलीवरी पॉइंटों तक पहुँचेगा, तो वरना उससे हम फिर प्रैक्टिकल कराएंगे मोटरसाइकिल पर, उसको बोलेंगे कि ये 20 डेस्टिनेशन है और 15 मिनट में ये हमें फुलफिल करके दो। तो आपको चाहिए जितना आपका कारोबार है, टाइम को देखते हुए, स्पेस को देखते हुए, वेन्यू को देखते हुए, उतने ही आप अपने वो रखें पिज़्ज़ा बॉय, मोटरसाइकिलें उनको फराहम करें ताकि उनकी लाइफ को कोई ख़तरा ना हो। अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने कंप्लेंट की या पब्लिक से कोई कंप्लेंट आई, तो यू पीपल विल बी रिस्पांसिबल। अल्लाह आपको आपके कारोबार में नफ़ा दे।